सांझी कंध ने बिछाए घर च सत्थर कुट कुट बेरहमी नाल कीता नौजवान दा कतल परिवार दा रो रो के होया बुरा हाल पुलिस कर रही मुलजमां दी पार। जी हाँ सांझी कंध दे कलेश दे कारण घर च सत्थर वज जांदे ने कंध दे कलेश कारण एक नौजवान दा बड़ी ही बेरहमी दे नाल कतल कर दिता जांदा है। जी हाँ सांझी कंध नूं लैके होए मामूली झगड़े च एक नौजवान नूं कुट कुट के मौत दे घाट उतार दिता गया। सांझी कंध दे रौले ने एक घर च सत्थर बिछा दिते ने। खबर तरन तारण दे नेड़ले पिंड ओजियां तों निकल के सामने आई जिथे एक नौजवान नूं तेज़धार हथियारां दे नाल बड़ी ही बेरहमी दे नाल कुट कुट के मौत दे घाट उतार दिता गया। मृतक की पछाण गुरप्रीत सिंह वजों हुई है जिसकी मौत तो बाद परिवार का रो रो के बुरा हाल। मृतक के परिवारक मैंबरों का कहना कि उन्होंने गुआंढ च रहिंदे लोगों नाल घर की सांझी कंध नूं लैके उन्हों का विवाद चल रहा है। बीती शाम जब गुरप्रीत काम तो घर वरत रहा है तो गुआंढियां ने ही उसके घर च हमला कर दिता। तेज़धार हथियारों नाल उसते इन्ने वार किए कि उसकी मौत हो गई। परिवार वालों हुण रो रो के इंसाफ की मांग की जा रही है। गल इस तरह भी साढ़े कंध भी साड़ी अपनी सी गवांड साढ़े कंध के नाल बदोबदी रंजिश करके झगड़ा पा रहे कंध तो उस कंध नूं देड़ दिया ही थोड़ा बड़ा चलो माड़ा मोटा आन तान आई उदों बाद जाके सरपंचा मैंबरों ने बह के साडा राजीनामा करवाया। अहीं बिल्कुल ठीक ठाक वो भी ठीक ठाक ही बाद दे विच कुछ टाइम पा के अहीं बेटा साडा कम तो आ रहा सी सोना तो उन्होंने घेर के राह दे विच ते उन्हूं फड़ के पता नहीं बंदे पांच छे होण जां किन्ने होण उन्होंने उन्हूं चाकू मारिया तो उहदी डैथ हो गई आ। मंग इहो करदे आ जी छोटा बच्चा बिल्कुल घर दा ते मतलब बिल्कुल ही कम खत्म हो गया वा ते तुसीं जाणदे हो वी कारवाई होनी चाहीदी आ पूरी सानूं इंसाफ मिलना चाहीदा वा। गज्जण सिंह रेशम सिंह हरमन सिंह कुंदन सिंह गुरप्रीत सिंह बलवंत सिंह की झगड़ा सी इहनां दा झगड़ा है उह कंध दा जी। हांजी कीता राजीनामा तो हो गया ही बंदे पा के पंचायत दे सारे जिन्ने भी आ ते मुड़ के इदा ही आन डे काम तो इन्होंने रात इदा वार कर दते बस पानी हूँ कि चीज़ा मारियाँ दातर मारे किरच मारे तो बस सू इंसाफ मिलना चाहिए वा। बस उधर इस वारदात बारे पुलिस का कहना है कि उन्होंने यह जानकारी मिली सी कि नौजवान से हमला होया अस्पताल च इलाज दौरान उसकी मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि असी नौजवान की मृतक देह अपने कब्जे च लै लई है ते परिवार के बयान के आधार से कुछ लोगों खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया मुलजमान की भाल की जा रही है। भुजे पिंड कंध का झगड़ा चलता है एक गुरप्रीत सिंह मुंडे नाँ का ही तो जो दोषी उन्होंने मतलब झगड़े दौरान चाकू चुकू मारते तो उन्होंने जेल इलाज हस्पताल दाखिल कराता ही अमृतसर जी ये तो आप कल एफ आई नंबर 154,324,506 दर्ज करती है डैथ हो गई है तो वाधा ही 302 का करता जी अपने एफ आई दर्ज की गई है तो रेड किए दोषी आए घरों भगौड़े आए। जी हाँ इस मामूली जे विवाद से चंद पलों के गुस्से ने एक घर दी खुशियां सदा सदा दे लई तबाह कर दित्ती। खैर कंध के कलेश पिछे हुए कतल के मुलजम कदों फड़े जाते ने यह हुण वेखण वाली गल रहेगी। BDC न्यूज़ लई तरन तारण पवन शर्मा की रिपोर्ट।